क्या आपको पता है कि जब आप एमबीबीएस अब्रॉड में जाते हैं करने के लिए, जैसे कि बहुत सारा कंट्री से, रसिया है, यूक्रेन है, चाहे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तो इन जगह पे जो डिग्री मिलती है, जो एमबीबीएस की डिग्री मिलती है, वो किस फॉर्मेट में मिलती है और उसका वैल्यूएशन इंडिया में किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 ईयर का प्रोग्राम चलता है, जो कि 5 ईयर का प्रोग्राम चलता है और 6 ईयर का प्रोग्राम चलता है। जो 6 ईयर का प्रोग्राम होता है वो आपको एमडी की डिग्री मिलती है, यानी कि डिप्लोमा की डिग्री मिलती है, वहां के हिसाब से डिप्लोमा होता है, जो कि वहां पे लिखा होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, यानी कि इसका जो वैल्यूएशन है इंडिया के अंदर वो एमबीबीएस के बराबर है एमसीआई पास करने के बाद। और सेकेंड जो कोर्स होता है 5 ईयर का प्रोग्राम, यानी कि 5 ईयर के प्रोग्राम में आपको जनरल मेडिसिन की डिग्री मिलती है, इसकी वैल्यूएशन इंडिया में एमबीबीएस के बराबर ही है एमसीआई पास करने के बाद। ये दोनों डिग्री कोई डिफरेंस नहीं है, समय के हिसाब से ही पहले जो कोर्सेज चल रहे थे वो 6 ईयर के प्रोग्राम वाले थे। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे यहाँ 12th होता है, 12th के बाद हम ग्रेजुएशन में जाते हैं, लेकिन इन सब कंट्रीज में 12th नहीं होता है, डायरेक्ट 10th के बाद ही ग्रेजुएशन में चले जाते हैं। तो इसके वजह से उन लोग वहाँ पे डिप्लोमा का कोर्स करते हैं, जो कि वहाँ पे एक ग्रेजुएशन कोर्स है, और उस ड्यूरेशन में ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जो कि इंडिया के अंदर दोनों की दोनों मान्यता बराबर ही है। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आपने अगर किसी एमबीबीएस स्टूडेंट की डिग्री देखी होगी जिन्होंने वहां से करके आया होगा, तो उनका जो डिग्री होगा वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के नाम से होगा, या डिप्लोमा इन डॉक्टर ऑफ मेडिसिन लिखा रहता है उस पे, जो कि 6 ईयर के प्रोग्राम वाले हैं। अगर 5 ईयर के प्रोग्राम वाले हैं तो उनके अंदर लिखा होगा जनरल मेडिसिन, डॉक्टर इन जनरल मेडिसिन। इसमें दोनों कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।